हेलो दोस्तों, आल्ट्रिक इन्फो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करते हैं इसके बारे में बता रहा हूँ। उससे पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकॉन पर भी क्लिक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं कि होस्टिंग में वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करते हैं। वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाने के लिए हमें होस्टिंग और डोमेन की जरूरत पड़ेगी। यदि हमारे पास होस्टिंग और डोमेन है तो हम आसानी से वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं और वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं और जानते हैं कि होस्टिंग में वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करते हैं। होस्टिंग में वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं अपना जो सी पैनल है, उसे ओपन करना है। तो यहाँ से हम सी पैनल ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे सी पैनल का जो लॉगिन पेज है वह आ चुका है। अब हमें यहाँ पे यूज़र नेम टाइप करना है, यहाँ पे पासवर्ड टाइप करना है, और उसके बाद करना है लॉगिन पर क्लिक, जिससे कि हम सी पैनल में लॉगिन हो जाएंगे और हमारा सी पैनल ओपन हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे स्क्रॉल करना है और शॉपक्लूज ऐप इंस्टॉलर को ढूंढना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं शॉपक्लूज ऐप इंस्टॉलर, यह फीचर हमें मिल चुका है। आप उसका यहाँ पे आइकॉन देख सकते हैं। अब हमें इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमें वर्डप्रेस के ऊपर कर्सर ले जाना है और इंस्टॉल पर क्लिक करना है, जिससे कि जो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन पेज है वह ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ से हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। यह इसकी पूरी प्रोसेस है। अब हम सबसे ऊपर जाते हैं और सबसे पहले हम वर्क करेंगे सॉफ्टवेयर सेटअप में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे वर्डप्रेस का जो वर्ज़न है वह सिलेक्ट करना है। तो हम लेटेस्ट वर्जन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें HTTPS और HTTP प्रोटोकॉल सेलेक्ट करना है। तो हमें यहाँ पे यदि आपके में HTTPS की सिक्योरिटी है तो आपको यहाँ पे HTTPS ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद चूज़ डोमेन, यदि आपके होस्टिंग में मल्टीपल डोमेन कनेक्टेड है या सी पैनल में मल्टीपल एक से ज़्यादा डोमेन कनेक्टेड है तो यहाँ से आप उसने चूज़ कर सकते हैं कि आप किस में वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो यहाँ से हमें डोमेन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इन डायरेक्टरी इस ऑप्शन में WP पहले से होगा, आपको यहां से WP हटा देना है और उस बॉक्स को खाली रखना है। उसमें आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। अब हमें नीचे चलना है और आ जाना है साइट सेटिंग्स पे। साइट सेटिंग्स पे आने के बाद यहां पे हमें सबसे पहले साइट का नेम देना है। तो मैं यहां अपने ब्लॉग का या वेबसाइट का जो नेम है वह दे देता हूँ। ओके, उसके बाद साइट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर हमें टैगलाइन डाल देना है। तो वो जो मेरी टैगलाइन है आल्टेक्स इन्फो, तो ये। उसके बाद एडमिन अकाउंट सेक्शन में आना है और यहाँ पे हमें एडमिन यूज़र नेम के आगे वाले बॉक्स में अपना जो वेबसाइट का लॉगिन यूज़र नेम होगा उसे सेट करना है। तो हम यहाँ से रीट्रिक में यूज़र नेम सेट करना चाहता हूँ और यहाँ पे हम डालेंगे पासवर्ड। यह पासवर्ड आपको, यह यूज़र नेम और पासवर्ड आपको आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन करते टाइम काम पड़ेगा। यदि यह नहीं होगा तो आप डैशबोर्ड में लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो आपको यह लिख कर अच्छे से रखना होगा। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं पासवर्ड RETRICK1111। जो भी आप यहाँ पे टाइप करें आप उसे नोट करके लिख लीजिएगा ताकि आपको काम पड़े। अब यहाँ पे हमें एक ईमेल एड्रेस को टाइप करना है। तो मैं यहाँ से टाइप कर देता हूँ, यह आ गया। तो यह हमारा ईमेल एड्रेस हो गया, इसे मैं कर लेता हूँ कॉपी। उसके बाद हमें जाना है सबसे नीचे, यहाँ थीम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यदि आपके में थीम दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ से आप कोई भी थीम को, एक थीम को सिलेक्ट कर लीजिएगा, या फिर यहाँ से और कोई भी चेंज करना चाहें तो वह भी कर लीजिएगा। तो मैं अभी इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यह हो गया। उसके बाद हमें और नीचे जाना है और यहाँ पे ईमेल इंस्टॉलेशन डिटेल्स टू, यदि आप चाहते हैं कि कोई ईमेल एड्रेस में आपको इंस्टॉलेशन की सारी डिटेल्स जाए तो आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस टाइप कर दीजिएगा। तो मैंने जो ऊपर टाइप किया था यहाँ पे ईमेल एड्रेस, उसी को यहाँ पे टाइप कर दिया हूँ, ताकि जो भी मैं इंस्टॉलेशन करते टाइम डिटेल डालूँ वह मेरे को ईमेल में चली जाए। अब हमें करना है इंस्टॉल पर क्लिक। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसे पूर्ण होने का हमें वेट करना है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, यह बहुत जल्दी ही इंस्टॉल हो जाती है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन द सॉफ्टवेयर वॉज इंस्टॉल सक्सेसफुली, यानी कि हमारा जो वर्डप्रेस है वह इंस्टॉल हो चुका है हमारे मेन यूआरएल पे। तो यहाँ पे हमें दो यूआरएल दिखाई दे रहे हैं, एक यह हो गया और एक हो गया यह। तो यह यूआरएल होगा हमारा डैशबोर्ड का और यह यूआरएल होगा हमारा मेन वेबसाइट जो लाइव दिखाई देगी। तो हम सबसे पहले इस पर क्लिक करते हैं और हमारी वेबसाइट का लो और हमारी वेबसाइट को लाइव देखते हैं। तो यह हो चुकी है हमारी वेबसाइट और यह सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है वर्डप्रेस में। तो हमें सेकंड यूआरएल जो मिला है वह हो गया हमारी वेबसाइट का एडमिन का डैशबोर्ड। तो यहाँ से हम अपने एडमिन का जो डैशबोर्ड है उसे मैनेज कर पाएंगे। आपको यह यूआरएल को टाइप कर लेना है कहीं भी या लिख के रख लेना है ताकि आप इसे भूल लेना, क्योंकि डैशबोर्ड ओपन करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो वर्डप्रेस इंस्टॉल है वो है सक्सेसफुली हो चुका है। दोस्तों सबसे पहले हम इसे कॉपी करते हैं, मैं यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ। आपको लॉग इन कैसे करना है सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। यह लॉग आउट हो चुका है और इसको कट करके हम न्यू टैब में जाते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं जो हमारा लॉग इन यूआरएल है। आपको यहाँ पे लॉग इन यूआरएल टाइप करना है, फिर करना है एंटर पर क्लिक। तो यहाँ पे जो लॉग इन पेज है वह दिखाई देगा। आपको यहाँ पे यूजर नेम डालना है जो आपने वहाँ दिए थे। तो मैं यहाँ पे रीट्रिक लिखा था, पासवर्ड गलत है, इसको कट करूँगा। अब यहाँ हमें पासवर्ड डालना है, जो भी आप इंस्टॉल करते टाइम डाले हैं वह है, आप यहाँ पे डाल दीजिएगा 1111। और हमें करना है रिमेम्बर मी पर क्लिक, ताकि यह बार बार हमें लॉगिन पेज में ना लाएं और बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत ना पड़े। अब हमें करना है लॉगिन पर क्लिक, जिससे कि हम अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ ताकि हमें बार बार पासवर्ड डालने की ज़रूरत ना पड़े। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे जो वर्डप्रेस वेबसाइट का डैशबोर्ड है वह ओपन हो चुका है। और इस टाइप से आप भी वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।